ट्रायंफ ने अपनी स्पीड 400 को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। इस बाइक के 2025 मॉडल को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू ट्रायंफ स्पीड 400 2025 मॉडल के बारे में। सबसे पहले प्राइस के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। दिल्ली में इसका एक शोरूम प्राइस अब है 240,000, 2,40,000 रुपये, यानी कि इसका एक शोरूम प्राइस 6,000 रुपये बढ़ गया है। और 6,000 रुपये जो प्राइस बढ़ा है उसमें आपको क्या नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिज़ाइन और स्टाइल में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये इस बाइक का एक नया कलर है। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं। इसके अंदर ट्रिपल टोन टाइप का कलर है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंफ का लोगो है ये ब्लैक कलर में है, लेकिन येलो कलर यहाँ पे आगे फ्यूल टैंक के ऊपर दिया गया है। और यहाँ पे बीच में आपको ग्रे कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और ये पीछे वाला जो पार्ट है टैंक का, ये आपको व्हाइट कलर की फिनिशिंग के साथ में मिलेगा। ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो यार, इस बाइक का ये वाला कलर जो है ना, बाकी सभी कलर से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इस बाइक का रेड कलर भी अच्छा है, ब्लैक कलर भी अच्छा है, लेकिन ये कलर सबसे ज़्यादा अच्छा है। कलर के बाद इस बाइक के अंदर क्या नया है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यार, इसके अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और एडजस्टेबल क्लच लीवर भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हो जैसे KTM की बाइक्स के अंदर आए हैं, वैसे ही आप इसको आगे पुल करोगे तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पाँच ऑप्शन है भाई इसके अंदर। पांच लेवल पे आप ब्रेक लीवर और क्लच लीवर को एडजस्ट कर सकते हो। सो यार, ये काफ़ी अच्छा फीचर है, बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अब दे रहा है दुरुस्त आए। अब फाइनली एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर स्पीड 400 के अंदर आ गए। अब इसके अंदर एग्जॉस्ट भी आपको नया मिलेगा। और मैं पर्सनली अगर बताऊं तो यार, पहले वाला एग्जॉस्ट देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले वाला एग्जॉस्ट जो है वो पूरा मेटल की फिनिशिंग के साथ में था, लेकिन अब जो है पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग के साथ में, ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में एग्जॉस्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे बीच में आपको एक प्लेट मिल जाएगी और यहाँ पे लास्ट में आपको एक प्लेट मिल जाएगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार, ये एग्जॉस्ट उतना ज़्यादा अच्छा लुक नहीं दे रहा जो पहले ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था। लेकिन आप बताना, आपको ये वाला एग्जॉस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था? अगला चेंज क्या है? टायर्स में है। इस बाइक के अंदर पहले 110/70 सेक्शन का टायर आता था, लेकिन अब इसके अंदर 110/80 सेक्शन का टायर आ गया है। और टायर की ब्रांड भी चेंज हो गई है। पहले अपोलो अल्फा H1 टायर आते थे, लेकिन अब इसके अंदर रेडस्टीन के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। और टायर की जो मोटाई है ना, वो थोड़ी सी बढ़ गई है, फ्रंट की भी और रियर की भी। 17 इंच के लोबिल्स पहले आते थे, 17 इंच के लोबिल्स अभी हैं ब्लैक कलर के। इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप्स आ गई हैं। यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की स्ट्रिप मिल जाएगी और कुछ कुछ यहाँ पे आपको येलो कलर की स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाएंगी। रियर में पहले 150/60 सेक्शन का टायर आता था, लेकिन अब रियर में 150/70 सेक्शन का टायर है। तो रियर वाला टायर जो है ना, वो भी थोड़ा सा मोटा हो गया है, बड़ा हो गया है। और पीछे भी आपको रेडस्टीन का ही टायर देखने को मिल जाएगा, यानी कि फ्रंट और रियर में जो टायर्स हैं वो पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं। इनकी वजह से बाइक का जो ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, लेकिन जब बाइक को हम राइड करेंगे तभी आपको बताएंगे कि इनकी वजह से बाइक की ट्रैकेबिलिटी पे और बाइक की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं। अगला चेंज है बाइक की सीट के अंदर। बाइक की जो सीट की थिकनिंग है, कुशनिंग है, वो पहले से इंप्रूव हो गई है। 10 mm के आसपास जो इसकी कुशनिंग है वो इंप्रूव कर दी है ट्रायंफ ने, जिसकी वजह से जो आपको कंफर्ट पहले मिलता था उससे बेटर कंफर्ट मिलेगा, यानी कि राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक हो गई है। लॉन्ग हाईवे टूरिंग आप करोगे ना, तो आपको कंफर्ट ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर मिलने वाला है। इंजन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, इंजन पहले की जैसी है। 398cc का लिक्विड कूल्ड 6-speed ट्रांसमिशन DOHC इंजन है, जिसकी पावर आपको वहीं से 40 PS की मिलेगी। 37.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। परफॉर्मेंस आपको पहले की जैसी मिलेगी, लेकिन ट्यूनिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि नहीं है, रिफाइनमेंट थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके बारे में हम जब बात करेंगे जब बाइक की टेस्ट राइड मिलेगी। तो बाइक का जो 6,000 रुपये प्राइस बढ़ा है, उसके अंदर ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर वही सेम LED हेडलाइट है। LED DRLs का डिज़ाइन भी बिल्कुल पहले के जैसा ही है। जो फिट एंड फिनिश है बाइक की, वो भी पहले की जैसी आपको मिलेगी। टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। जो हेडलाइट होल्डर है वो एल्यूमिनियम का ही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। हेडलाइट का फ्रंट वाला जो पार्ट है उसके ऊपर सिल्वर कलर की फिनिशिंग आपको मिल जाएगी, जो स्पार्कल्स की फिनिशिंग के साथ में है। जो फ्रंट फेंडर है बाइक का, ये भी आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ में मिलेगा, जो स्पार्कल्स की फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। और यहाँ पे सस्पेंशन प्रोटेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सस्पेंशन पे इजीली धूल मिट्टी नहीं जाएगी और लीकेज वाली प्रॉब्लम इजीली नहीं आने वाली है। बाइक में वहीं सेम 43 mm के बिग पिस्टन गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स दिए गए हैं, तो इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बाइक के अंदर रेडिएटर है वो भी बिल्कुल पहले के जैसा ही है। जो इंडिकेटर्स हैं ये भी पहले वाले हैं, और सस्पेंशन के ऊपर ही माउंट हैं जो पहले भी थे। बाइक के अंदर पहले वाला ही लेग गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा पाउडर कोटिंग की फिनिशिंग के साथ में। सो पेंट की क्वालिटी बाइक पे आपको ऑल ओवर अच्छी देखने को मिल जाएगी। जो बोल्ट्स की क्वालिटी है, ऑल ओवर फिट एंड फिनिश है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल पहले की जैसी ही टॉप नॉच। बाइक में आपको पहले की जैसी बार एंड मिरर्स देखने को मिल जाएंगे, इनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। की बाइक के अंदर पहले वाली है। और इंजन इमोबिलाइजेशन वाला जो फीचर है वो इसके अंदर अभी भी आता है, जो पहले भी आता था। एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इसके अंदर
इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो इम्प्रूव हो जानी चाहिए थी वो इम्प्रूव ये नहीं हुई है कि आरपीएम मीटर जो है डिजिटल टाइप का दिया गया है, लेकिन अगर वो एनालॉग टाइप का होता तो ज़्यादा अच्छा लुक दे सकता था, या फिर उसको अगर थोड़ा सा बड़ा अगर यहाँ पे दे देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक दे सकता था, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाइक के अंदर काफ़ी वाइट टाइप का हैंडल बार दिया गया है और इस पर जो पेंट की क्वालिटी वो आपको पहले की जैसी देखने को मिलेगी। सिल्वर कलर की फिनिशिंग इसके ऊपर दी गई है, ट्रैम की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी और जो बटन्स की क्वालिटी है वो बिल्कुल पहले की जैसी है। बटन की क्वालिटी इस बाइक के अंदर टॉप नॉच है एकदम। सो बाइक के अंदर ऑल ओवर लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बाइक के अंदर पेंट की स्कीम है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है कंपनी ने। और डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसका वेट पहले 176 केजी था, लेकिन अब इस बाइक का वेट 179 केजी है, तो 3 केजी के आसपास इसका वेट बढ़ गया है। आई थिंक टायर्स की वजह से और थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से बाइक का वेट बढ़ा है। बाकी बाइक वहीं सेम स्टील ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम, और बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वो भी पहले की जैसी। रियर में आपको वहीं सेम एलईडी टेललाइट देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे वहीं सेम सिल्वर कलर की फिनिशिंग आपको मिलेगी और यहाँ पे सिंगल पीस ग्रैब रेल पहले की जैसा ही है। एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको पहले की जैसी देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड 400 2025 मॉडल। आपको बाइक देखने में कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस जो इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हुए ना वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। प्राइस इसका 6,000 रुपये बढ़ गया है। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस सही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KTOKYMOTOVLOGS पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।